YouTube चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आया हूँ फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन डिजीज के बारे में दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं थायराइड। दोस्तों आज के जमाने में ये बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई, बहुत ही कॉमन डिजीज बोले या डिसऑर्डर बोले, बहुत ही कॉमन है दोस्तों। पहले ये थायराइड की जो बीमारी इतनी ज्यादा नहीं होती थी दोस्तों, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया यह बीमारी के रोगियों की संख्या बढ़ती गई दोस्तों। ये बीमारी ना कोई उम्र देखती है, ना कोई वर्ग देखती है कि कोई जेंट्स है या फीमेल है, ये सब नहीं देखती है दोस्तों। ना ये देखती है कितना छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है, कुछ नहीं देखती है दोस्तों। ये आजकल बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है दोस्तों। ये छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की बीमारी हो सकती है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है दोस्तों फीमेल्स में पाई जाती है, चाहे फीमेल बच्चा हो या फीमेल लेडी हो, सबसे ज़्यादा बीमारी फीमेल्स को अफेक्ट करी दोस्तों। ये बीमारी जान नहीं लेती दोस्तों, पर इस बीमारी की सबसे खास बात या हम सबसे इसकी खराबी कहें तो ये है कि ये हमारे शरीर के जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब करती है दोस्तों। अगर ये बीमारी बच्चों में हो जाए तो बच्चों को नाटा और मोटा कर देगी दोस्तों। और ये बीमारी अगर किसी महिला में हो जाए, और ये महिला में मैक्सिमम 30 वर्ष के बाद ही शुरू होती है, किसी महिला में बीमारी होती है दोस्तों, तो ये उसके शरीर की बनावट है उसको बिगाड़ देगी। ये तो बाहरी अपीयरेंस हो, अंदर की बात करें दोस्तों, ये शरीर की होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिज्म, जो खाने का डाइजेशन हुआ या बॉडी का पतला और मोटा होना हुआ दोस्तों, ब्लड की चाल है जो उसको दोस्तों, और साथ ही साथ ही सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों, ये फीमेल से इफेक्ट करती है उसके फर्टिलिटी को, उसके बच्चे पैदा करने की क्षमता को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है दोस्तों ये बीमारी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ थायराइड के बारे में, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आयुर्वेदिक तरीका है इसका, जिससे कि बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा, मैं 21 दिन की बात करूंगा। 21 दिन सिर्फ आपको ट्रीटमेंट करना है 21 पत्तियां आयुर्वेद की। आयुर्वेद में हर चीज का सोल्यूशन दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूँ थायराइड के बारे में दोस्तों। तो थायराइड एक ऐसी बीमारी दोस्तों की ये किसी भी उम्र में हो सकती है दोस्तों, फीमेल्स में किसी को भी हो सकती है। ये हमारे श्वसन, जो हमारे श्वसन नाल होती है उसके पीछे एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं थायराइड। जो आपकी ग्लैंड है उसमें दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, T3 एंड T4। ये दोनों हार्मोन्स को या तो बढ़ा देती है, उनकी जो सिक्रीशन है उनको बढ़ा देगी, या उसको घटा देगी। ये दोनों बीमारियों का रूप ले लेते हैं दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों कि हमारी पीयूष ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में, जो कि एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है TSH, थायराइड थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, या बोले थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। मतलब कि जो आपका पीयूष ग्लैंड है यही डिसाइड करती है कि आपके जो T3 एंड T4 हार्मोन्स हैं कितनी मात्रा में निकले, बैलेंस मात्रा में निकलते हैं एब्डोमेन निकलते हैं, जो डिसाइड करता है आपका पीयूष ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों। तो होता क्या है कि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कभी कभी क्या होता है, T3 T4 की मात्रा या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर T3 T4 की मात्रा आपकी बॉडी में घट जाती है तो उस बीमारी को बोलते हैं दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, थायराइड मीन्स थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलने के दोस्तों उनकी मात्रा कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी के अंदर क्या हमें चेंज देखने को मिलते हैं, इसमें होता क्या दोस्तों, ये T3 T4 की यानी थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा जैसे ही घटेगी तो उससे आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों वो स्लो हो जाएगी दोस्तों, आपकी बॉडी की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी हार्ट की गति है और जो भी कई सारे मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएंगे दोस्तों। इसमें होगा आपका शरीर मोटा हो जाएगा, आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होगा दोस्तों, और आपका शरीर की जो बनावट है वो बेढंग दिखने लगेगी दोस्तों। और इसके साथ अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स है यानी कि T3 T4 हार्मोन्स है, इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, वो अधिक मात्रा में आपके शरीर से सीक्रेट होते हैं दोस्तों, तो वो रूप लेता है आपका उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म दोस्तों, ठीक है। इसमें होता है क्या, इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें आपका जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो भी तेज हो जाती है दोस्तों। तेज होने के कारण क्या होगा, शरीर का अचानक पतला हो जाना, और शरीर का पतला होने साथ आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, साथ ही साथ आपके हार्ट की जो पल्सेस है उसका डिफरेंट होना, और सबसे बड़ा फीमेल से मैंने बताया फीमेल्स में जो फर्टिलिटी है, बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है दोस्तों। ये तो बात हुई हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो अब हम बात करें बच्चों में, बीमारी बहुत
काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये बच्चों में क्या होती है, अचानक डिफरेंशिएट भी नहीं जाती, क्योंकि बच्चे उतना सोच नहीं पाते कि बच्चे की बीमारी है या नहीं। बच्चा है भाई नहीं, हेल्दी हो गया, अच्छी बात है, हेल्दी है, शायद उसके पीछे कारण है, थायराइड हो सकता है उसको। तो हमें ये देखना है, अगर बच्चा हमारा उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं कर रहा, उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है या उसकी आवाज़ बैठ रही है, तो आप इसी डिसाइड कर लीजिए कि हमें उसका थायराइड का टेस्ट कराना है। किसी भी आप पैथोलॉजी क्लिनिक में जाएंगे, 350 रुपये में आकर बच्चे का या आपका थायराइड का टेस्ट हो जाएगा। ये डिसाइड हो जाएगा कि आपकी बॉडी में थायराइड की मात्रा कितनी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये डिसाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने बात की थायराइड बीमारी के बारे में, उसके लक्षण क्या होते हैं, और यहाँ बात की आती बीमारी होती क्यों है। सबसे बड़ा यहाँ रीजन आता है कि बीमारी क्यों होती है भाई, ऐसा हम क्या करते हैं, क्या खा लेते हैं बीमारी जाती है। सुनिए दोस्तों, ये सब जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, कैंसर होने लगे दोस्तों, थायराइड हुआ, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी बीमारियाँ जो पहले नहीं होती थी अब होने लगी, ये सब है दोस्तों वातावरण का बदलाव, एनवायरमेंट में जो चेंजेस है उसके कारण ये बीमारियाँ हो रही हैं दोस्तों। तो और दूसरी चीज़ है हमारा खान पान, हम फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, चाइनीज चीज़ें जो चाइनीज डिशेज हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब और हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, एक्सरसाइज वगैरह कम करना। अब हम बात करें बच्चों में क्यों हो रही है, तो बच्चों में वही बात चीज़ें हैं कि इस बीमारी का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि अब ये खाने से हो रही है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, ये बीमारी नहीं होगी। तो अभी बीमारी कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती है, ये जिस तरह का डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में ये बीमारी कभी भी कैसे भी किसी भी उम्र में हो सकती है दोस्तों। तो उस पर आप मत सोचिएगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी बीमारी हो गई, बीमारी है, डिसऑर्डर है, वो कभी भी किसी को भी हो सकता है रैंडमली। ठीक है, अब हम इसकी बात करें इसके इलाज की, मैं किसी थायरॉक्सिन की किसी एंटी की दवाई के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ बात करूंगा दोस्तों इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। तो एक आयुर्वेद में एक पौधा है जो कि जंगली पौधा आपको अमूमन कहीं भी देखने को मिल जाएगा, निलगुड़ी का पौधा दोस्तों, निलगुड़ी के पौधा को लीजिए, उसके मैं बता रहा हूँ किस तरह की डोज लेना आपको, एक दिन में उसकी 21 पत्तियाँ लेनी है दोस्तों, सुन लीजिए, 21 पत्तियाँ आपको लेनी है, 21 पत्तियों को पीस कर अच्छे से उनका रस निकाल लीजिए, 21 पत्तियों को निलगुड़ी पौधे की 21 पत्तियों को पीस कर उनका रस निकाल लीजिए, अच्छे से पीस कर रस निकालने के बाद उसकी 3 डोज बनाइए, 21 पत्तियाँ सिर्फ 21 पत्तियाँ लीजिए, एकदम हरी पत्तियाँ लीजिए, उनका रस निकालने के बाद उनकी 3 डोज बनाइए, बराबर मात्रा में 3 डोज बना लीजिए, एक तो सुबह पी लीजिए खाली पेट, एक दोपहर पी लीजिए दोस्तों, और एक रात में आने के बाद पी लीजिए, ऐसा आपको करना 21 दिन तक। हाँ दोस्तों नोट कर लीजिए, 21 दिन तक आपको ऐसा करना है, इसके बाद आपको चेंजेस देखने को, 21 दिन बाद आप टेस्ट करा लीजिए अपना, आपको ना रिपोर्ट में कोई चेंज नजर आ जाए, ना आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, तो आप उससे कहना आप 21 दिन में चेंज आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। इसको ट्राई करिए दोस्तों, निलगुड़ी पौधे का नाम है, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए, मेरी स्किन पे भी शो हो रहा होगा, निलगुड़ी पौधे की पत्तियाँ और पौधे का स्ट्रक्चर का वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नाम भी शो हो रहा होगा दोस्तों। तो ये ट्राई करिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पक्का इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, और मेरे प्लीज मेरे वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और आपका प्यार मुझे बहुत मिला है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।